अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ मक्का में वोको होटल। यहाँ पे माशाल्लाह मैं 3 रात रहा और 4 दिन हो गए। अभी कमरा चेकआउट करेंगे, जोहर पढ़ेंगे। नाश्ता मैंने पहले ही कर लिया था, तो यहाँ अभी है मस्जिद मेरे पास टाइम। फ्लाइट है मेरी रात को जिद्दा एयरपोर्ट से तकरीबन 11:30 बजे रात को रियाज के लिए, सऊदीया के लिए। रियाज सऊदी कैपिटल है यहाँ का, तो साथ रहिएगा इंशाल्लाह, साथ होंगे, सफ़र भी चलेगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरा ये सफ़र आसान कराए। मेहरबानी मेहरबानी। ये रहा सामने क्लॉक टावर मक्का का, ये मक्का सिटी व्यू। अब जो है कमरा कर दिया मैंने खाली, और जिस तरह इन लोगों ने साफ सुथरा दिया था, मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि उसी तरह हसब मामूल साफ़ सुथरा मैंने छोड़ा है। और ये मेरी आदत है, मैं कहीं भी जाता हूँ किसी भी मुल्क में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कमरा खाली करते वक्त उनको साफ़ सुथरा रखूँ। ये सेपरेट रूम था मेरा, माशाल्लाह से बहुत ही शानदार होटल था। अब निकलते हैं, नीचे जाते हैं, जोर की नमाज़ पढ़ेंगे यहीं पे होटल में। ये सामान जो है मेरा बिल्कुल तैयार है, बराबर है। दोस्तों कमरा तो मैंने खाली कर लिया, अब ये आते हुए भी पिलाते हैं, तो मैंने कहा जाते हुए भी पिला दे। ये खजूर है यहाँ की मुकामी। अगर ऐसे सऊदिया काफ़ी ज़बरदस्त हो गया, लेते हैं इनसे। यहाँ का माहौल है, थैंक यू, शुक्रान। गाड़ी वाले को मैंने कहा है कि आप 4 बजे आएँ, क्योंकि असर भी मैं यहीं पे पढ़ूंगा, मेरे पास बहुत ही टाइम है, समझ लें कि 10 घंटे हैं मेरे पास। तो ये इनका लाउंज है, सामान जो है मैंने रख लिया लॉकर में यहाँ पे, माशाल्लाह। अब जो है सामान भी बाद में उठाएंगे, इनसे लेंगे अपना असर पढ़ के, तब तक गाड़ी भी आएगी। तो है यहाँ पे 2-3 घंटे यहीं पे हैं, सामान तो रख लिया। अब हो सकता है कि दोपहर का खाना भी यहीं पे खाएं, बाहर है अपना 5 मिनट की वॉक पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत हैं, तो बाहर जाएंगे खाना खाएंगे, टाइम पास हो जाएगा, असर पढ़ेंगे। टैक्सी आएगी, टैक्सी किसी दोस्त ने करके दी है, वो भी अपने इलाके का सिंधी है टैक्सी वाला, तो उसने कॉल की कि मैं कितने बजे आऊँ। मैंने कहा आप 4 बजे आ जाएँ, तो वो 4 बजे आएगा। 150 रियाल में उनसे बात हुई है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था वोको होटल के बारे में, इनके 9 टावर हैं। मैं इस टावर में रह रहा था, 5वें टावर में, तकरीबन ये 30-40 मंजिला बिल्डिंग हैं। ये रहा 6 नंबर टावर, वो 7 नंबर टावर, वो 8, वो 9 नंबर टावर, और इस तरफ 1, 2, 3, 4, ये इस तरह होते हैं। इनकी अपनी शटल है, तो ये यहाँ पे यहाँ से जाती है शटल हरम की तरफ। आप अगर पिछली वाली वीडियो चेक करेंगे तो आपको नज़र आएंगी कि काफ़ी तादाद में होती हैं। अभी क्या है कि वो जोहर की नमाज़ हो चुकी है ना, तो सारी गई हैं हरम से लेने लोगों को। तो अभी यहीं पे हैं, घूमते फिरते हैं, टाइम पास हो जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये बहुत ही शानदार था होटल, 4 स्टार था। अब ये देखें कि आ गई शटल, आ गई एक। अब मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं अभी जाऊं इस पे चढ़ के हरम जाऊं, मगर ये है कि मेरे पास हैं ही 2-2.5 घंटे, जाऊंगा फिर वापस आऊंगा तो ये ज़रा मुझे देर हो जाएगी। ये इस तरह की होती है शटल इनकी। अब ये यहाँ वहाँ पे खड़ी होगी, एक के पीछे एक आएगी,
टाइम पास करने के लिए अंदर ही बैठ जाता हूँ लाउंज में। तकरीबन 2:30 बज चुके हैं तो अब निकलते हैं बाहर। 5 मिनट की वॉक पे बाहर हैं काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, तो खाना खाएंगे, तब तक असर का टाइम भी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा घूम फिर भी लेंगे, काफ़ी टाइम है अभी भी मेरे पास। ये सामने जो जा रही है बस, ये मक्का में बिल्कुल फ्री है, पूरे मक्का सिटी में आप कहीं भी जाएं तो इनका कोई भी किराया वगैरह नहीं है। ये सामने भी खड़ी है रोड के उस पार, तो ये आपको पूरे मक्के में बग़ैर टिकट के, बग़ैर पैसों के आपको घुमाएगी। आपको कहीं भी जाना हो एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह मलेशिया में भी है, दुनिया के काफ़ी ममालिक में है इस तरह। मलेशिया में 2-3 ऑप्शन हैं, या तो आप फ्री वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसों वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ रूट हैं उनके अपने अपने। तो यहाँ मक्का में भी इसी तरह बस बिल्कुल फ्री है। यह है जी पाकिस्तानी मुल्तान होटल, तो चलते हैं अंदर, अगर खाना सही लगा तो ठीक, नहीं तो आगे भी बहुत सारे होटल हैं पाकिस्तानी। माशाल्लाह से ये मटन है, ये अपने तंदूर की गरम गरम रोटी, ये दही। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं, बिल्कुल देसी खाना है और देसी माहौल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से दोस्तों खाना भी हो गया, खाना बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त था। अब इस दफ़ा इस वाले उम्र में टूर में मुझे सऊदीया का खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब पता नहीं क्या वजह है, या तो इन लोगों ने अपना मयार सही रखा है इस दफ़ा, या मैं 14 दिन 2 हफ्ते यूरोप में रह चुका हूँ ना, तो वहाँ के अजीबोगरीब खाने खा खा के अब जो अचानक से अपने देसी खाने मिल रहे हैं पाकिस्तानी, तो ये अच्छे लग रहे हैं, कोई तो वजह है। बहरहाल खाना माशाल्लाह ज़बरदस्त था और इस टूर में मुझे हर जगह खाना ज़बरदस्त माशाल्लाह मिला है। तो अब जो है बस नमाज में बाकी अजान असर में 4 से 5 मिनट हैं, तो बस यहीं पे इंतज़ार कर रहा हूँ। सामने मस्जिद है, नमाज असर पढ़ के और इंशाल्लाह जाएंगे कमरे में, तब तक वो 4 बज जाएंगे। 4 बजे मैंने टाइम दिया हुआ है अपना गाड़ी वाले को, तो वो आएगा और मुझे उठा के अपना एयरपोर्ट लेके जाएगा। और रास्ते में मैंने उनको कहा है कि मुझे कोई यहाँ की लोकल मार्केट है, कोई खजूर की कोई सब्ज़ी की, वो भी घुमाते जाओ। तो बस इंतज़ार है उसका भी और नमाज का, तो पहले इंतज़ार है। बहरहाल अब जो है नमाज पढ़ के यहाँ से जाएंगे। ये लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि अजान के वक्त दुकानें जो हैं वो बंद नहीं होती। अब ये देखें, मैं नोट कर रहा हूँ कि बिल्कुल बंद हो रही हैं मक्का में, ये दुकानें सारी बंद हैं और ये अभी खोल रहा है। इसने मेरे साथ नमाज पढ़ी और माशाल्लाह से नमाज के वक्त बिल्कुल शटर नीचे करते हैं, तो अफवाहें पे न जाएं। खुद आप देखें सारी की सारी दुकानें अभी खुल रही हैं। दोस्तों नमाज भी हो गई, अब ये टोकन देंगे इनको
और अपना लॉकर से सामान निकलवाएंगे। दोस्तों सामान भी उठा लिया, अब जो है वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि फिर ये लंबी हो जाएगी। और बस इंशाल्लाह अभी मैं कॉल करूंगा टैक्सी वाले को, वो आएगा और निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। तो बस उसका इंतज़ार है, इंशाल्लाह जैसे ही आएगा तो वहाँ पे चले जाएंगे। तो दुआ में याद, अल्लाह आप सब दोस्तों को सदा सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।